नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वच्छता को लेकर महापौर मालती राय एक्शन में दिखाई देने लगी हैं। स्वच्छता अभियान में सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाने के लिए महापौर पहल कर रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल में स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर मालती राय और भोपाल के सरकारी स्कूल के प्राचार्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जहाँ पर महापौर ने बताया कि निश्चित तौर पर नगर निगम हर एक विभाग में जाकर यह अपील करेगा और भोपाल नगर निगम प्रेजेंटेशन भी देंगे, ताकि भोपाल की जनता को भी पता चल सके और बायो सीएनजी भी बन सके। जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि कचरा वह अलग अलग दे, ताकि बायो सीएनजी बन सके, ताकि हम भोपाल की जनता को बता सके। इसके लिए आज हमने स्कूलों के प्राचार्य से इसकी शुरुआत की है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। निश्चित ही अब भोपाल नगर निगम ने यह तय किया है कि हर एक विभाग में जाकर और स्वच्छता के लिए अपील भी करेगा और स्वच्छता में भोपाल नगर निगम जो गतिविधियां कर रहा है उसका प्रेजेंटेशन भी देंगे, ताकि जनता को, भोपाल की जनता को पता चल सके। चाहे हम बायो सीएनजी बना रहे हो, जो लोगों की शिकायत रहती कचरा अलग अलग क्यों देना है, तो उसके बारे में भी भोपाल की जनता को पता चले कि जब हम घर से कचरे को अलग अलग देंगे तो हमारा बायो सीएनजी बनेगा और हर तरह के कामों को हम भोपाल की जनता को बता सके। इसके लिए आज हमने प्राचार्यों से स्टार्ट किया है कि संकुल के स्कूलों के जितने भी गवर्नमेंट के प्राचार्य हैं उनकी कार्यशाला यहाँ लगाई है, और कार्यशाला के माध्यम से हमने आग्रह किया है कि सरकारी 38 संकुल है और 38 ही संकुल में प्राचार्य महोदय के सहयोग से जितने भी प्राइवेट स्कूल है उस क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल है उनको बुलाकर भी इसी तरह का प्रेजेंटेशन दिलवाकर पहले हम जनता को जागरूक करेंगे और फिर स्कूलों में बच्चों को भी ये प्रेजेंटेशन दिखाकर और बच्चों को भी जागरूक करेंगे कि हमें ये हमारा भोपाल है और हमारे भोपाल को हमें स्वच्छ रखना है। इस तरह की एक्टिविटी और भी बाकी जगह भी रहेंगी, इसी तरह की एक्टिविटीज अलग अलग विभागों को बुलाकर हम करेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।